हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विथ रियांस। मैं ये सेकंड ब्लॉग है जिसमें मैं फिर से कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, और ये वहाँ का झरना का है। तो देखिए ये झरना कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस झरने के ऊपर में कुछ बना हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा। मैं बार बार जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये झरने के ऊपर बना हुआ है नाग, और ये पहाड़ों से गिर रहा है पानी, झरना, ऊपर में पहाड़ है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके लिए भी वो जगह बहुत ही माना जाता है, और यहाँ पे पूजा भी होती है। और इसी झरने पे इधर सारी पूजा उधर यहीं पे की जाती है। बगल में मंदिर है, गुफा है, तो मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, जितना हो सके वो शेयर करे, और इस चैनल को सपोर्ट करे। फिर चलिए देखते हैं। तो आप सब देखिए एकदम ये पहाड़ों वाली जगह है, पहाड़ों जंगल वाली, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक छोटे से टाउन की, ये छोटे से टाउन ही बोल सकते हैं इसको। आपको मैं हर एक चीज़ बारीकी से दिखाने की कोशिश करूंगी बार। तो इधर यहाँ पे पूजा के लिए बनाया गया है मंदिर है, और इधर झरना है, और यहाँ पे एक ही इसी के पास ही एक गुफा भी है जहाँ पे पूजा भी होती है। और यहाँ बहुत दूर दूर से साधु संत लोग आते हैं पूजा करने के लिए, स्पेशली जब सावन का टाइम होता है, महीना होता है, तब और भी लोग आते हैं। भीड़ बहुत ही रहती है, और बहुत ही मान्यता वाली जगह है यहाँ के लोगों के लिए, और भी दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि देखती हूँ यहाँ पे इतनी भीड़ उमड़ के आती है उस टाइम पे, सावन के टाइम पे। और ये यहाँ के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट भी है, और भी लोग जो यहाँ के बारे में जानते हैं वो पिकनिक के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। अधिकतर जगह के बारे में लोग नहीं जानते हैं। ये झारखंड में ही पड़ता है, और बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस जगह पे, क्योंकि ये जगह पे पॉपुलेशन सिर्फ प्लांट की वजह से है। प्लांट है तो लोग बसे हैं, और लोग बसे हैं तो बस ये सारे हैं। पर यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह पूजा होती है, बहुत मान्यताएं हैं। एक पत्थर, एक बड़ी सी चट्टान है, चट्टान के नीचे ही गुफा है, और यहाँ पे जैसे ही गुफा के घुसने के पास वहाँ हमेशा पानी गिरते ही रहती है। ऊपर पूजा के लिए मंदिर बनाया गया है, देखिए ये हनुमान जी की मंदिर है यहाँ पे छोटी सी। और मैं बार बार वो चट्टानों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि चट्टान के नीचे गुफा किस तरह से है। मैं गुफा के अंदर की तो नहीं ली, लेकिन अगर आपकी कमेंट होगी कि हाँ मुझे गुफा के अंदर भी देखनी है, तो मैं ज़रूर फिर नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएँ कि आप लोग को गुफा के अंदर देखना है क्या, कैसा है। तो मैं बस दरवाजे के पास से ही, मतलब जो जहाँ से जाने की रास्ता होती है वहाँ से ले रही थी। तो देखिए मैं जूम इन जूम आउट करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से जाते हैं, यहीं पे पास में पानी टप टप से गिरते रहती है। बाबू, जिस दिन हम लोग यहाँ गए थे घूमने के लिए वहाँ, तो अभी तो जान रहे जनवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी सब पिकनिक के लिए आते हैं, जाते रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है उस वक्त। ऊपर में तो पिकनिक भी हो रही थी, मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे कैसे पानी गिर रहा है, इधर छोटा सा उधर हवन के लिए भी बनाया गया है। जा सकते हैं।
शंकर भगवान जी रहते हैं, शंकर भगवान जी रहते हैं, शंकर भगवान। तो देखिए इधर यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा के ये मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पूजा होती है। और इधर हवन कुंड छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे शादी भी होती है, यहाँ पे शादी भी होती है, हवन भी होती है, जो आप सबको दिख रहा होगा वहाँ पे हवन किया ही हुआ है जब हम लोग गए थे तो। और यहाँ पे है मंदिर, एक ही मंदिर पे सारा है। और उधर भी एक और बड़ा सा बन ही रहा है, तो वहाँ मैं नहीं गई। तो यहाँ देखिए आगे ये दिव्यांशी और यहाँ पे ये प्रणाम कर रही है, तो सारे भगवान को जा कर के वो एक एक करके जाके प्रणाम करती है। वो तो पता ही है कि इसे ये सब करना कितना अच्छा लगता है, इसके बर्थडे ब्लॉग में तो मैं बता ही हूँ। और ये यहाँ पे दान पेटी देख करके बोल रही है इसमें पैसा डालना है, तो ये पैसा ले आती है पापा से मांग करके और फिर उसमें डालती है। तो बस इतनी सी थी आज की ब्लॉग। तो फिर आप बतलाइएगा कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऊपर उसमें बक्सा में, बक्सा में, बॉक्स में छेदा होगा, देखो खोल है, डाल दियो, वेरी गुड, सारे डाल दी, ठीक। चलिए नमो हो गया, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ऊपर में लोग हैं पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पे सब पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं। बहुत भीड़ थी, हम लोग ऊपर नहीं जा सके भीड़ की वजह से। तो आप सबको ये व्यू कैसा